नमस्कार, मैं हेना प्रसून अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबों के सामने हाजिर हूँ एक ज्योतिष के नए प्रोग्राम को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन की। सूर्य को, जैसा हम सभी जानते हैं, ग्रहों का राजा माना जाता है। प्रशासन, सरकार, पिता, आत्मा, सामाजिक मान प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सब के कारक हैं सूर्यदेव। तो 14 मई से सूर्य अभी वर्तमान की उच्च राशि मेष राशि को छोड़कर अपनी शत्रु राशि वृषभ राशि यानी टॉरस में प्रवेश करेंगे और वहां पे वो 15 जून 2021 तक रहेंगे। एक महीने का समय, हम सभी जानते हैं सूर्य एक राशि में लगभग एक महीने का समय गुजारते हैं, तो उनका ये भ्रमण, ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, हम सभी 12 राशि वाले लोगों के बारे में हम जानते हैं एक एक करके। और इसके साथ ही मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मेरे वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और लिंक को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। इसके लिए मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। अब बिना किसी विलंब के हम चलते हैं अपने टॉपिक पे और बात करेंगे सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। एक बात और कहना चाहूँगी, मई का महीना हम सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। इसे मैं बहुत सकारात्मक तौर पे तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है, सूर्य भी अपने शत्रु राशि में आ रहे हैं जहाँ पर उनके परम शत्रु राहु पहले से वृषभ राशि में मौजूद हैं। बुध भी वहाँ पे रहेंगे, बुध और शुक्र की तो अच्छी बनती है, लेकिन दैत्य गुरु और वृषभ राशि के लग्नेश भी, शुक्र भी वहाँ पे पहले से मौजूद रहेंगे, क्योंकि वो 5 तारीख को राशि परिवर्तन कर चुके रहेंगे। तो इन सब स्थिति में और ऊपर से 26 मई को चंद्र ग्रहण भी होगा, चंद्रमा केतु के प्रभाव में आ जाएंगे, तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत उत्साहवर्धक तो नहीं है। फिर भी कुछ लग्न और कुछ राशियों के लिए ये समय हमेशा की तरह बहुत अनुकूल रहेगा। इस राशिफल को आप अपनी चंद्र राशि या लग्न राशि से देखें और बेहतर समझ के लिए आप इसे सूर्य राशि से भी देखें। मतलब आपकी जो ये तीनों राशियां होंगी आपकी जन्म कुंडली में, हो सकता है लग्न राशि और चंद्र राशि एक ही हो, तो आप कम से कम अपने लग्न और चंद्र राशि से तो जरूर देखें और सूर्य राशि से भी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और आप अपने जीवन में इसे ज़्यादा सार्थक पाएंगे, इस फलादेश को। ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि जब 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पहले से ही 3 ग्रहों का जमावड़ा होगा और सूर्य जब प्रवेश करेंगे तो चतुर ग्रही योग बनेगा। अब वो कितना अच्छा है कितना बुरा ये पता चलेगा जब हम इस छोटी सी जानकारी पे ध्यान दें। तो सूर्य वृषभ राशि में जब आएंगे तो उसके पहले वृषभ राशि के जो लग्नेश हैं शुक्र, वो पहले से वहाँ रहेंगे, दैत्य गुरु पहले से रहेंगे, दैत्यों के सेनापति राहु जो सूर्य के परम शत्रु हैं वो भी पहले से वहाँ मौजूद रहेंगे, और राजकुमार बुध ये भी वहाँ पहले से मौजूद रहेंगे। तो कुल मिला जुला के सूर्य के आने के बाद 3-4 योग बनेंगे, उसमें जो एक है वो बुध के साथ बुध आदित्य योग बनेगा, जो कि एक बहुत ही शुभ योग है। शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, वो भी बहुत ही शुभ योग है। राहु और सूर्य के साथ पितृ दोष बनेगा, ये एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। इस दौरान जो बच्चे पैदा होंगे इस एक महीने के बीच में, उनकी कुंडली में सूर्य और राहु का पितृ दोष रहेगा, तो इसके लिए ये थोड़ी स्थिति बहुत अनुकूल नहीं रहेगी। तो इन सब योग में फिर कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि अगर 2 अच्छे योग बन रहे हैं और गोचर कुंडली में 2 बुरे योग बन रहे हैं, तो प्राथमिकता बुरे योग को ही देनी चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे अच्छे योग को धूमिल कर सकता है,
निरस्त कर सकता है। इसलिए एक महीने का समय लगभग हमारे सभी राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। ऐसे भी हमारा समाज और देश अभी वैश्विक बीमारी के कहर से जूझ रहा है, तो इसमें हम देखेंगे कि कमोबेश एक ही स्थिति है हम सभी राशि वाले लोगों के लिए। तो इसलिए ये एक महीने का समय जब गुजर जाएगा तो एक बेहतर स्थिति सामने आएगी। तो इसी आप कॉन्टेक्स्ट में इस फलादेश को देखें और समझें। कार्यक्रम के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए और उनके जो बुरे प्रभाव हैं उनको नष्ट करने के लिए क्या किया जाए। बहुत ही छोटी सी, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडीज बताती हूँ, कोई बहुत लंबी चौड़ी और वैसा कुछ बताती नहीं हूँ कि आप यहाँ पे सिक्के गाड़ दीजिए और आप घर में लौटेंगे तो आपको अरबों की संपत्ति मिलेगी। लेकिन हाँ, मैं जो बताऊँगी वो इतनी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ रहेगी कि आप उसको पूरे विश्वास के साथ कीजिए और आपको सफलता मिलेगी। अब हम बात करेंगे मकर राशि और मकर लग्न वाले लोगों के लिए। तो सूर्य का ये गोचर आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, मकर राशि मकर लग्न वाले लोग, ज़रा आप ध्यान से सुने मैं क्या बोल रही हूँ। तो सूर्य का ये गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है। तो पंचम भाव में जब भी सूर्य आते हैं तो ये आपके संतान के स्वास्थ्य को बाधित कर सकते हैं। आपके संतान के जो हेल्थ है वो, आपके बच्चों की हेल्थ एक इशू रह सकती है, आप परेशान रह सकते हैं। पैंडेमिक टाइम है तो आप उनके भी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, कोई भी ढिलाई ना करें, उन्हें जंक फूड से और जो बासी भोजन है उससे थोड़ी दूरी बना कर रखें। उन्हें आप काउंसलिंग करें, उन्हें प्यार से समझाएं। आजकल का समय वो डांटने और वो बहुत अनुशासित करके कुछ बताने का नहीं है। बच्चे भी अब बड़ों के साथ उनका भी एक स्टेटस है परिवार में, होना भी चाहिए। तो आप उस हिसाब से उन्हें पूरी समझदारी से उन्हें बताएं क्या अच्छा है क्या बुरा है, उनके हेल्थ को आप अपनी प्राथमिकता बनाएं। और अगर मैं बात करूं तो छात्रों के बारे में बात करूं तो छात्रों की मेहनत ज़्यादा हो सकती है, उन्हें बहुत कड़ी मेहनत के बाद कुछ सफलता मिलने का आसार दिखता है। तो इसलिए आप कमर कस के मेहनत करें, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटें। इस दौरान आपके भाग्य में कमी हो सकती है, हालांकि मेहनत आप प्रचुर मात्रा में करेंगे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब सब कुछ मेरे हाथ में ही, हमारे हाथ में ही नहीं होता। तो एक हम जो लक फैक्टर बोलते हैं वो अगर फेवर नहीं करे तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, जीवन संघर्ष से भर जाता है। तो इस तरह की स्थिति आ सकती है, आप का भाग्य साथ नहीं दे रहा है इस एक महीने के दौरान। तो इसके लिए ऐसा हो सकता है कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगे, आप ऐसा सोचें कि इतनी मशक्कत के बाद भी अगर इतनी ही सफलता मिलनी थी तो मैंने इतना टाइम क्यों वेस्ट किया। इस तरह के आप बातों को घर मत करने दीजिए, आप सिचुएशन को कभी भी नेगेटिवली इवैल्यूएट मत कीजिए। आप जितनी भी परिस्थिति सामने आती है आप उसको पूरी सकारात्मकता बना कर रखें और उसका मूल्यांकन भी पूरी सकारात्मकता के साथ करें। किसी भी बात को आप ओवर थिंकिंग ना करें, ज़्यादा विश्लेषण मत करें, आप समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक इस तरह का भरोसा, इस तरह का विश्वास आप ईश्वर पर रखें। कोई है जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, जो हम सबको देख रहे हैं। हमें लगता है कि हम अपने भाग्य विधाता हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि हम सभी एक पपेट हैं और हमें चलाने वाला, स्ट्रिंग खींचने वाला कुछ कोई तो है, कोई शक्ति है जो ऊपर बैठी है। कार्यक्रम को समाप्त करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सूर्य देव को हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, या किसी भी राशि या लग्न के लिए अगर उनकी प्लेसमेंट, उनका ट्रांजिट फेवरेबल नहीं है तो हम क्या करें कि हम उनके दुष्प्रभाव से खुद को बचा सकते हैं। तो देखिए, जहाँ से मैंने सीखा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरा अध्ययन है,
इस तरह के बेसिर पैर के टोटकों को करके हम किसी ग्रह को प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं जो बता रही हूँ आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और आप अगर इसमें से दो चार चीज़ों को आप शामिल करते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में, तो आपको सूर्य ग्रह आपके लिए बहुत ही फेवरेबल हो जाएंगे, बहुत अनुकूल हो जाएंगे और अपने शुभाशीर्वाद से आपको लैस कर देंगे। इसके लिए देखिए, सूर्य हमारे पिता के कारक हैं। आप अपने पिता को, अगर आपके पिता आपके पास रहते हैं, जीवित हैं, तो प्रतिदिन आप सुबह उठ के उनका चरण स्पर्श करें, पिता को मन से आदर दें, उनके लिए आप अच्छी वाणी और भाषा का प्रयोग करें। पिता तुल्य आपके परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं, आप उनको पूरा मान सम्मान दें। अगर वो कुछ बोलते हैं, डांटते हैं, आप सुन लीजिए। आप छोटे हैं, आपके वो जन्मदाता हैं, आपको उनसे कुछ जानकारी ही मिलेगी, विजडम मिलेगा। आप उनके एक्सपीरियंस, अनुभव और उनके उम्र का आप सम्मान कीजिए, उनसे उनके पास बैठिए, दो चार बातें कीजिए। दूसरी बात, आप रविवार को बिना नमक का अगर हो सके तो भोजन करें, आप मीठे भोजन का सेवन करें, फ्रूट्स खाएं, आप अनाज भी खाएं, लेकिन उसमें आप हो सके तो नमक का, अगर आपका स्वास्थ्य परमिट करता हो, ये आप पहले पूछ लीजिए डॉक्टर से। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो सूर्य इससे बहुत ही अनुकूल परिणाम देते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप संडे को नॉन वेज मत खाइए। अगर आप मदिरा का पान करते हैं तो संडे को आप अल्कोहल ना लें, इससे आपके सूर्य बहुत ही मजबूत होंगे और बहुत फेवरेबल रिजल्ट मिलेगा। आप सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें संडे को 3 बार अगर हो सके। ऐसे तो रोज 1 बार कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संडे को अगर आप 3 बार करते हैं, आपको इसका परिणाम 1 महीने के अंदर अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। सूर्य आपको जब देने पर उतर जाएं, जैसे हम सब जानते हैं वो ग्रहों के राजा हैं, सूर्य के ही चारों ओर सारे ग्रह ऑर्बिट करते हैं और उन्हीं के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के चलते ये सौर मंडल चल रहा है, तो आप उनकी महानता, उनकी विशालता, उनके एनॉर्मिटी, उनके मैग्नीट्यूड को आप ऐसे ही समझ सकते हैं। आप सूर्य नमस्कार करें, आप अगर संडे को सूर्य नमस्कार करते हैं, खुले में करते हैं, अंडर द सन करते हैं, अपनी बालकनी में या छत पे, टेरेस में, आपके लिए ये बहुत ही हेल्थ बेनिफिट तो जो मिलेगा वो मिलेगा ही, आपको इससे एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत आप बेनिफिटेड होंगे। आप सूर्य त्राटक करें, आप सूर्य को उगने, जैसे एकदम बाल सूर्य जो होते हैं, जैसे एकदम सूर्य उगते रहते हैं, क्योंकि तेज सूर्य को तो आप आंखों से नहीं देख सकते, तो सूर्य त्राटक, सूर्य को उगते हुए सूर्य को सिर्फ आप श्रद्धा से देखें, उनके उगते हुए जो 2-3 मिनट का समय होता है आप देखिए, सूर्य त्राटक से सूर्य आप पर बहुत प्रसन्न होते हैं। सूर्य को जल देना, जल आप देखिए जब दें तो दोनों हाथों से दें और वो आपके पानी वो पैर पे ना गिरे, कुछ आप पात्र लगा लीजिए, उसमें कलेक्ट कीजिए। और कहते हैं कि अगर आप जैसे आप फिल्टर वाटर, कैंट वाटर, आप कोई भी शुद्ध जल को लेकर आप उनसे एक फूल डाल लीजिए और अक्षत डाल लीजिए, रोली डाल लीजिए और उससे आप जल अर्पित करें, पैरों पे ना पड़े। आप उस फिर जल को अपने आँखों में ले लें या टीका लगा लें आप, और बाकी के आप जल को पौधों में डाल दीजिए, बहुत फ़ायदा होता है। आप सूर्य के रूटीन को फॉलो करें, ये बहुत एक मार्क करने वाली चीज़ है, ये बहुत, मैं आपको मार्के की बात बता रही हूँ। सूर्य का जो रूटीन है, सुबह जैसे वो उगते हैं और शाम को ढलते हैं, उस हिसाब से आप सूर्य को वेलकम करने के लिए उनके उगने के पहले आप बिस्तर छोड़ दें आप, और लेट नाइट आप ना जगें, जितना आप, जैसे आप लेट राइजर हैं तो आप थोड़ी सी अपनी मेहनत मशक्कत करके अपने को पहले जागने के लिए प्रेरित करें, और सूर्य ढलने के बाद आप जल्दी जल्दी जैसे आप खा लें, 7-7:30 बजे तक डिनर कर लें, ऐसी आप कुछ बातों को आप फॉलो कीजिए, तो आपको निसंदेह सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनसे संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, जितना भी स्ट्रगल है, संघर्ष है, आत्मविश्वास में कमी है, भाग्य में अगर आप कमी का अनुभव करते हैं, तो ये सब कुछ आपके लिए बहुत अनुकूल हो जाएगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप बताइएगा आपको ये राशिफल कैसा लगा, आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी मुझे।
और आप मेरे चैनल को पुनः मैं आग्रह करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर एक व्यक्ति अपने चार संबंधियों को भी लिंक शेयर करे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसके साथ ही मैं आप सबों से विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए